मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 25 ईयर्स। अपने वातावरण में, अपने आहार में, खाने के पदार्थों में, पानी में इस टाइप के केमिकल्स रहते हैं, वो अपनी हेल्थ को खतरनाक हो सकते हैं या डेंजरस हो सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हम जब करते हैं, प्लास्टिक के पॉट्स हम फूड को गर्म करने के लिए रखते हैं, या प्लास्टिक की बॉटल से पानी पीते हैं, या प्लास्टिक का इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये प्लास्टिक अपने फूड में लीच आउट हो जाता है, जिसमें बिस्फेनॉल रहता है, फॉस्फेट्स रहते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट वजह है हमारी फर्टिलिटी को कम करने की या हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस करने की। और तरह तरह के केमिकल्स बाज़ार में रहती है, या अपने इंडस्ट्रीज से बहुत सारे से फ्यूम्स बाहर निकलते हैं, जो केमिकल्स हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, उन केमिकल्स को एंडोक्राइन डिसरप्टिव केमिकल्स यानी कि EDC के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे केमिकल्स EDCs हमारे शरीर पे गहरा असर छोड़ती है, जिससे हमें हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे पीरियड्स जल्दी आना शुरू हो जाता है, हम PCOD का शिकार बन जाते हैं, हमारे ओवरीज में अंडों की मात्रा कम हो जाती है और हमारे अंडे जल्दी ख़त्म होते हैं, इसीलिए हमारी AMH की वैल्यू कम होती है, हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल छोटा हो जाता है यानी कि जल्दी मेनोपॉज आ जाता है, हमारे अंडे की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और अबॉर्शंस होने का खतरा रहता है। तो ये EDCs फीमेल के हार्मोन्स में बदलाव लाते हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स की महिला शिकार हो जाती है। तो EDCs से हमें बचना है और EDCs के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी लेनी है। तो EDCs से हम कैसे बचाव करें? तो EDCs से बचाव करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल एरिया के पास से ज़्यादा गुजरना नहीं है। तो उसका हल क्या हो सकता है? पानी में या वातावरण में जो EDCs रहते हैं और वो जो हम लेते हैं, इससे तो हम प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। जब हम फूड की बात करते हैं, तो जो कुछ हम खाने वाले हैं वो प्रोसेस करने से पहले वो हम अच्छी तरह से धो के ले सकते हैं और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से हम EDCs से थोड़ा सा बच सकते हैं। सो इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारी ये गायनिक इनफर्टिलिटी IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।